अगर आपके पास भी सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपसे इस प्रकार पासवर्ड लॉक या पैटर्न लॉक या पिन लॉक हो चुका है, तो आप अपना सैमसंग मोबाइल को कैसे अनलॉक करते हो फ्रेंड? डायरेक्ट सर्विस सेंटर जाके या किसी रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाके? लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिना सर्विस सेंटर गए, बिना लैपटॉप कंप्यूटर के, बिना डाटा लॉस किए हुए, सबसे इंपॉर्टेंट बात डाटा को सेफ रखना है, जो कि सर्विस सेंटर वाले कभी नहीं रख पाते हैं। तो फ्रेंड स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सैमसंग मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है, वो भी बिना सर्विस सेंटर गए और बिना डाटा लॉस किए हुए। और आपको मैं वो मेथड आज के इस वीडियो में बताऊंगा जिस मेथड से आप अपना डाटा रिकवर कर सकते हो, टोटल का टोटल एक भी डाटा आपका डिलीट नहीं होगा, जो कि सर्विस सेंटर वाले डिलीट कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको टोटल वर्क आपके आंखों के सामने करेंगे और बताएंगे कैसे आपको अपना सैमसंग मोबाइल का लॉक तोड़ना है, वो भी बिना सर्विस सेंटर गए और बिना डाटा लॉस किए हुए। सर्विस सेंटर जाओगे, पैसा देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, फ़ोन तो अनलॉक होकर मिल जाएगा फ्रेंड, लेकिन फ़ोन का टोटल डाटा डिलीट हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को अगर आप ओपन किए हो तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए और सीखिए कैसे सैमसंग मोबाइल का लॉक तोड़ा जाता है। तो आइए फ्रेंड मैं बिना टाइम लिए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे तो आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे इमरजेंसी कॉल आएगा, और कोई तो ऑप्शन ऐसा है नहीं फ्रेंड जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे फाइनली क्लिक कर देना है। तो जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे फ्रेंड तो आप देखोगे कि आपके सामने एक न्यू डायलेट खुला है। इस न्यू डायलेट में आपको *0854C7632933679 *#, ये जो मैं अभी जो डायलेट पे कोड डायल किया हूँ, इसको पहले आप लोग स्क्रीन शॉट ले लो या कहीं नोट पैड पर लिख लो, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट कोड है फ्रेंड, क्योंकि इसी कोड के मदद से आपका डाटा रिकवर होगा, टोटल का टोटल डाटा रिकवर होगा, जो सर्विस सेंटर वाले कभी नहीं कर पाएंगे। तो इस कोड को आप लोग लिख लो, क्योंकि ये वन टाइम कोड है फ्रेंड। वन टाइम कोड का मतलब होता है इस कोड को आप लोग सही सही यूज करोगे, वो भी एक ही बार में, तब जाके आपका ये वर्क प्रोसेस करेगा और सक्सेस होगा, अन्यथा आपका ये कोड काम नहीं करेगा फ्रेंड। मैं पहले बता देता हूँ, इस कोड का नाम होता है ऑफलाइन मोड एक्टिव कोड, और इसी कोड के मदद से आपका डाटा टोटल का टोटल रिकवर होगा। तो इस कोड को आपको 9 times कॉल करना है, बोले तो 9 times, 9 times। तो जब कॉल पे आप क्लिक करोगे तो कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा, उसको कर लीजिएगा ओके, ये हो चुका है 1 time। इसी प्रकार 9 times करना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 9। 9 times जब आप कॉल कर लोगे तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा, अगर नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे मोबाइल में नहीं करता है, मॉडल के अनुसार काम करता है। तो इस कोड को अब एक एक करके आप हटा लीजिए। अब आपको मैं वो फाइनल कोड दूंगा, जो कोड अभी मैंने आपको दिया है वो एक सीक्रेट हिडन कोड था, जिस कोड से आपका डाटा रिकवर हुआ। लेकिन अब जो आपको मैं फाइनल कोड दे रहा हूँ फ्रेंड, वो कोड है मास्टर अनलॉकिंग कोड। उस कोड से आपका कोई भी लॉक, पासवर्ड, पैटर्न पिन, फिंगरप्रिंट लॉक, स्क्रीन लॉक टूट जाएगा। अगर आपके पास सैमसंग मोबाइल है तो *#, ये कोड है फ्रेंड। आप लोग बहुत बार बोलते हो, कमेंट करते हो कि सर आपको कोड कैसे याद रहता है, तो मुझे याद नहीं रहता है फ्रेंड, ये कोड मेरा नोट पैड में लिखा हुआ है, जो कि मैं अपना नोट पैड खोल चुका हूँ और उसी डायरी में से ये कोड देख रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। तो इस कोड को 11 times कॉल करना है फ्रेंड, बोले तो 11 times, ताकि ये वर्क करे, तेज़ी से रनिंग करे, थोड़ा लॉन्ग टाइम, क्योंकि 11 times कॉल करना है, और उसी के बीच में ये जब रनिंग करता है तो आपका लॉक टूटता है फ्रेंड। तो 11 times कॉल करना है, ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले टाइम किए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and then 11। उसके बाद इस कोड को एक एक करके हटाइएगा, डायरेक्ट नहीं हटाइएगा। तो अब आपको डायरेक्ट होम बटन पे क्लिक करना है फ्रेंड, डायरेक्ट होम बटन पे, यहाँ पे ये दो कोड देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और आप पाइएगा कि आपका सैमसंग एंड्रॉयड स्मार्टफोन ठीक इसी प्रकार अनलॉक मिलेगा, और वो भी विदाउट डाटा लॉस मिलेगा फ्रेंड। आप पहले ये देख लो, एक भी डाटा लॉस नहीं हुआ है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते तो आप पैसा देते, समय देते, और सर्विस सेंटर वाले आपके फ़ोन के साथ क्या कर रहे होते ये नहीं दिखाते, लेकिन मैंने जो भी किया आपकी आंखों के सामने किया और टोटल का टोटल डाटा भी सेफ रखा। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, लॉक हो चुका, अनलॉक नहीं हो रहा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।